हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मैं आप एकदम सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 7:30 के लगभग का, और मैंने डिनर बनाने की तैयारी कर ली है। ये कर रही है पढ़ाई, इनकी हो रही है पेपर, और थोड़ी देर में बात कर रही हूँ, उसके बाद बताती हूँ। इनके पेपर चल रहे हैं और आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैं तो इस बार काफ़ी दिन से ना, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हूँ। मेरी कुछ चल रही है तबीयत ख़राब, और आज ना मैंने चाय 2-3 बार चाय पी ली सुबह से, और मेरे जी में ना दाना सा निकल रखा है और दर्द हो रहा है उससे बार बार। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो बोलते समय दर्द हो रहा है। इसे मैंने रखी है तल्लू, ये सब्जी मैं पहले इसमें रख दिया तो मैं बताना भूल गई कि तल्लू क्या होता है। वो मतलब एक सब्जी होती है और शिवरात्रि पे हमारे वहाँ जो है ना पहाड़ों में ही बनाई जाती है। इसको इसकी बेल होती है और इसकी जैसे अरबी होती है ना, इसकी मतलब जड़ पे होती है, खुदाई करके फिर निकालते हैं उसको। देखो तो आज बनाएंगे तल्लू की सूखी सब्जी। और पीहू का हो रहा है मन क्या खाने का? सूजी खाने का, तो इसके लिए सूजी बनानी है। ये देखिए इस तरह के होते हैं, ये देखो। मैं 1 मिनट में बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है तल्लू। इसको मैंने 2 सीटी लगाई, शायद हो गया होगा ये। तो यहाँ मिल जाता है, और हमारे यहाँ ना शिवरात्रि के 2-3 दिन पहले चल जाते थे हम तल्लू की सब्जी लेने के लिए। तो हम जंगली तल्लू लाते थे, जंगलों से जैसे जाते थे हम खेतों में, फिर उसको खुदाई करते जाके इसकी बेल रहती, तो काफ़ी खोदना पड़ता तब जाके ये सब्जी मिलती है, और बहुत ही टेस्टी होती है। तो तल्लू, तो इसको छील के इसकी बनाएंगे सूखी सब्जी, वो भी अच्छा होता हाँ। आप इसका टेस्ट भूल गई, पिछले उसमें तो बनाया था हमने, पिछले उसके आप 1-2 महीने पहले पापा लाए थे। तो इसको बनाएंगे जख्या का छौंक लगा के। आटा मैंने गूंद रखा है, और ये अभी गौरव लेके आया सूजी, पीहू का मन कर रहा था। तो चलिए फटाफट खाना बना लेती हूँ, और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। बाकी अगर आगे बनाऊँगी तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, और इवनिंग के टाइम से मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मतलब अजीब से मेरा तबीयत हो रहा है। मुझे अनिद्रा हो रही है, मतलब काफ़ी दिन से मुझे ना नींद नहीं आ रही है, और इस वजह से ना मतलब मूड इतना ख़राब रहता है, ना ही किसी काम में मन लगता है, और ना ही मतलब वीडियो बनाना तो दूर की बात, मतलब अजीब सा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो मैंने सोचा इवनिंग टाइम में, मतलब एक आदत भी हो गई है ना, वीडियो ना बनाओ तो ऐसे लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना इवनिंग का रूटीन शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, तो चाय मैंने पी ली है, और यहाँ पे दूध रखा है गर्म होने के लिए। दूध आज कम ही आया है, 1 लीटर आया है, और थोड़ी सी चाय बच गई थी। मैंने सोचा कि मैं गौरव के लिए रखूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, बासी चाय बचानी ठीक नहीं है, दोबारा से वो गर्म करके उसी टाइम मैंने पी ही ली थी। और 2 बार चाय पीने से ना मेरे जीभ पे एक दाना सा हो गया है, जिसे छाला नहीं लगता है, और उसमें हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। तो गाइज, अभी पी लेती हूँ मैं चाय। मैंने जो थोड़ी सी चाय बची हुई थी ना, वो गर्म करके खुद ही ले ली, क्योंकि वो खेलने चला गया और बहुत लेट आएगा, तो दोबारा चाय काफ़ी देर तक नहीं रखनी चाहिए, दोबारा गर्म करके फिर उसे पीना नहीं चाहिए। मैंने सोचा अभी आ जाएगी तो मैं उसे दे दूँगी, तो पी लेती हूँ। उसके बाद चलती हूँ मैं छत में। इतनी बार सफाई करनी पड़ती ना, सारी धूल मिट्टी अंदर, और ये देखिए मेरी आँखें ना, मैं पास करके दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे हो रखी है मेरी आँखें। मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है ना, अभी मैं लेटी थी, अभी अभी मैंने ये रजाई फोल्ड की है,
मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मतलब आंखों में ऐसे लग रहा ना जैसे मिर्ची डाली होगी। पता नहीं कितने दिन हो गए मुझे नींद नहीं आ रही है, और निद्रा की बीमारी मुझे फिर से शुरू हो गई है। एक बार पहले थी तो फिर मतलब जैसे आनी चाहिए नींद वैसे तो नहीं आती थी, लेकिन थोड़ा बहुत आ ही जाती है। और आजकल ना फिर से वही हाल हो गई। मेरा सिर इतना भारी, मतलब कुछ भी कहीं मेरा मन नहीं लग रहा किसी चीज़ को, मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतनी मतलब अजीब सा मतलब फील हो रहा है। मैं अभी लेटी हुई थी, मैंने सोचा कि 1 घंटे आधा घंटे थोड़ा भी मुझे नींद आएगी तो मुझे अच्छा महसूस होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और चाय पे चाय पिए जा रही हूँ। चाय पीने के बाद चलती हूँ ऊपर छत में, जीने में इतना कचरा हो रखा है उसे साफ करती हूँ। और हाथ का दर्द भी मेरा वैसे ही है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। इंसान पे कब कौन सी बीमारी लग जाए ना, कुछ पता नहीं। पल भर में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इतना अनकंफर्टेबल मैं अपने आप को फील कर रही हूँ ना, कुछ भी नहीं लग रहा मुझे सही। ना ही मुझे किसी काम में मतलब रुचि है। सुबह सोच रही थी मैं घूमने जाऊँ, फिर नहीं जा पाई मैं। ठंड भी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं मतलब उठने का मन ही नहीं हुआ कि मैं उठूँ और बाहर जाऊँ।